हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो यूपीटेट से रिलेटेड आप सभी से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना है जो कि यूट्यूब पे भी बहुत तेजी से फैल रहा है और जो मेरे पास है इन्फॉर्मेशन। कुछ लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ रहे थे, सबसे पहले कि यूपीटेट का जो विज्ञापन है वो आपको कब देखने को मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आप मेरे चैनल पर यूपीटेट की क्लासेस स्टार्ट हैं, CDP हो गया, EVS हो गया, प्लस मैंने हिंदी की भी क्लास आज स्टार्ट कर दी, और कल से आपको डेली 3 बजे जो है मैथ की क्लास आपके स्टार्ट हो जाएगी। और जो सर हैं वो आपको पढ़ाएंगे, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप उनसे एक बार पढ़ के देखिए, फिर आपको खुद लगेगा कि यस, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं। मैंने सोचा कि पहले क्यों ना मैं यूपीटेट के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन सभी को, 10 साल आई थिंक है, 10 साल का अगर आप वो उतना कर लेते हो ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे मैथ के आपने देखा होगा सारे रिपीट होते हैं, बस डिजिट चेंज होते हैं, पैटर्न सेम वही रहता है। तो मेरे ही चैनल से कराया जाएगा, एकदम फ्री है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना कि कल से आपको मैथ की क्लासेस भी मिलने लगे। बाकी यूपीटेट की फुल प्रिपरेशन मेरे ही चैनल से होगी, एकदम फ्री, तो पेड क्लास वगैरह लेने की भी जरूरत नहीं है और ना ही यूपीटेट में खास जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपको पैटर्न की बात करूं, जैसे कि आपका क्वेश्चन आ रहा था कि क्या इसका सिलेबस पैटर्न कुछ चेंज होगा, देखिए मैंने पहले भी बोला है कि चाहे यूपीटेट हो सीटेट हो, इसमें कुछ चेंज नहीं होता है, बस वही होगा कि जैसे आपने सीटेट में देखा होगा NEP निपुण वगैरह जो है वो इंक्लूड किया गया है, सेम वैसे यूपीटेट में भी होगा, बाकी उनका सब्जेक्ट वही है, नेगेटिव मार्किंग होनी नहीं है। पेपर हाँ ऑफलाइन होता है यूपीटेट का, सीटेट का ऑनलाइन होता है, ये चेंज है बस, तो वो ऑफलाइन ही होगा क्योंकि मुझे नहीं लगता यूपीटेट का पेपर ऑनलाइन कराया जाएगा, एक ही दिन कंडक्ट कराया जाएगा सभी का पेपर। दूसरा कि इसका विज्ञापन, जैसा कि मैंने YouTube पे भी देखा कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि बस इसी महीने आप सभी को विज्ञापन देखने को मिलने वाला है और अगले महीने से आपको पेपर जो है फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसा कि आप सब भरोसा भी करते हो, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मैं देती हूँ, देखिए अभी तक जो है आपको पता है कि नया आयोग जो है वो बना ही नहीं है, जब तक वो बनेगा नहीं तो पेपर कैसे हो सकता है। दूसरी चीज़ की जो BEd और BTC का जो विवाद है वो भी नहीं सुलझा है, जब तक ये जो दो मामले हैं ना वो क्लियर नहीं होंगे तब तक कोई भी विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि फिर से भर्तियां जो है वो कोर्ट में जाएं जब तक इसका विवाद नहीं सुलझ जाता है। और अभी आप में से बहुत से लोग पूछ रहे थे कि जो हमारा पहले जो यूपीटेट का मार्कशीट है अभी तो वही नहीं आया है, अब नया विज्ञापन आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपका जैसे ही विवाद सुलझेगा ना, आप सभी को अपने डायट से जो है यूपीटेट के मार्कशीट भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। ये सब कुछ रुका हुआ है केवल BEd और BTC के विवाद की वजह से। रही बात आपका यूपीटेट का नोटिफिकेशन, तो जब तक ये विवाद नहीं आ जाता है तब तक आपको नोटिफिकेशन भी देखने को नहीं मिलेगा। तो बस हम तो यही प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है ये विवाद सुलझ जाए ताकि भर्ती देखने को मिल जाए। तो फिलहाल अगर आप मेरे से पूछना चाहोगे कि किस महीने जारी होगा तो मैं आपको नहीं बता सकती हूं, हां बस इतना है कि अगर आपको मार्च के लास्ट तक विवाद जो है उसका निपटान, विवाद के बारे में कोई जजमेंट जो है सामने आ जाता है, विवाद सुलझ जाता है, देन आपको यस अप्रैल में इसके बारे में सुनने को मिल जाएगा कि आपका नोटिफिकेशन जो है यूपीटेट का कब होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब एग्जाम होगा, जैसा कि इन्होंने ट्वीट के माध्यम से बताया ही है। तो वही अगर मार्च में हो जाता है तो आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा। दूसरा पैटर्न वही रहेगा, अगर हाँ ये एक चेंज हो सकता है, नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि 1/4 जो नंबर की बात हो रही थी, 1/4 नंबर जोड़ा जाएगा, तब तो सभी के लिए यूपीटेट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मैं तो ये बोलूंगी कि आप तैयारी करते रहो, क्योंकि अगर आपकी तैयारी है आपको डरने की भी जरूरत नहीं है, चाहे ये कुछ भी चेंज करें आपकी तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर पेपर आप मेरे से पूछते रहते हो, तो देखिए मैंने खुद अपने यूपीटेट के लिए टेस्ट बुक्स को ही बाय किया था, आप भी बाय कर सकते हो, आज उसकी लास्ट डेट है 13 मार्च, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, और अभी ऑफर भी चल रहा है, ऑफर खत्म होने के बाद आप में से लोग मेरे से पूछते हैं कि ऑफर है या नहीं है, तो आज ही है। अगर आज आप बाई करते हैं टेस्ट बुक, ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप जाएंगे वहां पर तो नीचे आएगा ईयरली टेस्ट बुक पास, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आप दूसरे पेज पे चले जाएंगे, वहां पर जाने के बाद कूपन कोड आता है, तो उस पर GKC कोड जरूर लिखना, तभी जाकर आपको इसका फायदा होगा। जैसे ही आप GKC कोड लिखोगे आपको वो 269 में पड़ेगा, ठीक है, तो आप ऐसे परचेज कर लीजिए ऑनलाइन पेमेंट करके। और हाँ यहाँ पे आपको यूपीटेट DSSB, अभी DSSB भी आने वाला है, उसकी भी आपको प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट चाहिए होगा, हर एक एग्जाम का आपको इतने ही प्राइस में मिलेगा, सस्ता भी है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, लिंक भी दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, फिर भी कोई भी डाउट हो तो मुझे बताना। अभी फिलहाल आपको ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि अगले ही महीने पेपर होने वाला है यूपीटेट का, अभी टाइम लगेगा क्योंकि अभी तक कोई भी कुछ भी क्लियर रिस्पॉन्स उनके साइड से नहीं आया है, ठीक है। वो लोग भी वेट कर रहे हैं कि BEd और BTC का एक बार विवाद सुलझ जाए तभी जाकर हम भर्ती देंगे, क्योंकि आपको ही पता है अगर केस चल रहा हो बीच में भर्ती देने के बाद से वो भर्ती भी फंस जाती है, और इस बार सरकार नहीं चाहेगी ऐसा करना क्योंकि 24 में लोकसभा का चुनाव है। बट इतना मैं जरूर कह सकती हूँ, यूपीटेट का नोटिफिकेशन आपको देखने को बहुत जल्द मिलेगा, प्लस सुपरटेट भी इस बार आपको देखने को मिलेगा। जब तक सुपरटेट की वैकेंसी आएगी तब तक आप में से बहुत से लोगों का BEd BTC भी कंप्लीट हो चुका रहेगा। मेरे चैनल से सारी क्लासेस होती हैं, टेलीग्राम पर मैं PDF देती हूँ, आप
मेरे चैनल से जुड़कर सारे सब्जेक्ट की तैयारी एकदम फ्री में कर सकते हैं, ठीक है। तो कल से मैथ की क्लास आपके सर कराने वाले हैं, 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक कीजिए जरूर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी थोड़ी देर के बाद से आपको EVS की भी क्लास दिखेगी, मिल जाएगी चैनल पे, और शाम को आपका CDP का क्लास होता ही है 7 बजे, ठीक है। सुबह मैंने हिंदी की वर्णमाला पढ़ाई है, Day 1 से स्टार्ट किया है आज से ही। अब पूरा इसका जो कोर्स है, एक तरह से हिंदी जो जो पूछता है ग्रामर पोर्शन में, वो सब कुछ मैं आप सभी को अपने चैनल से कराने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।